डियर स्टूडेंट्स ऑफ एडीपी, बेटे आप उम्मीद है अपनी इंग्लिश बुक्स आपने ले ली होंगी और वहाँ से हम जो शुरू से आपका मिड का जो पोर्शन है वहाँ हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू पोइट्री। इसको बेटे आप अपनी बुक्स अगर खोल लें तो कुछ आप एक डेढ़ पेज तक हम ये रिवाइज कर लें। डिफिनीशन ऑफ डिफाइन पोइट्री क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पोइट्री के बारे में। याद रखें कि नो वन कैन कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन पोइट्री। इसके मुख्तलिफ पोर्ट्स ने, मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने अपने अपने तौर पर उन्होंने इसको डिफाइन किया है। इसमें भी था जैसे ये भी वर्ड्सवर्थ ने जैसे अपने तौर पर कहा, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कंपोज इन ट्रंकिलिटी, यानी बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस का और बेसख्त उबाल है। और बाद एक जगह ये भी कहा है, पोइट्री इज़ द लव ऑफ इमेजिनेशन, ये हमारे तखयलात का एक लव है जो एकदम हक कर जो है वो निकल आता है, उबल आता है और हम एक खुद बखुद वो शेर अशार वो अल्फाज वो लिखने लगते हैं। कुछ ने कुछ कहा। आए हम पढ़ते हैं कि देखें, पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स एंड पैशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों के सूरत में जो हमारे इनर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदरूनी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं। हाउएवर डिफरेंट क्रिटिक्स हैव एक्सप्रेस्ड डिफरेंट ओपिनियंस। द मोस्ट फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वो अभी मैं आपको बता रहा था। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस और फ्लो पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंकिलिटी, जो हमारे ट्रंकिलिटी पुरसकून माहौल में अकेलेपन में जो बिल्कुल सुकून से जो कंपोज किए जाते हैं, जो जमा किए जाते हैं, वहाँ हम ये जो अशार कहते हैं। मैथ्यू वार्डन ने खुद कहा, एट बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कहते हैं बज़ाहिर जो भी हम देख लें, बिल आखिर एट बॉटम बिल आखिर इसको हम क्या कहेंगे, शायरी क्या है, क्रिटिज्म ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक तनकीद का नाम है। बात दुरुस्त है कि ज़िंदगी के जो भी पहलू हम देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं, अच्छा या बुरा दोनों सूरत में तनकीद है। तनकीद क्या है, वैसे तो इस पर भी एक अलग बहस की जा सकती है, लेकिन देखें तनकीद आपकी व्यू है। जो आप देखते हैं ये एक फूल है, ये रियलिटी है, ये आपने एक बात कही, ये फैक्ट है। लेकिन जब आप कह देते हैं कि ये बहुत खूबसूरत फूल है तो ये आपकी राय है, हो सकता है किसी और की अच्छा ना लगे, तो ये खूबसूरत फूल होना ये भी उसका क्रिटिकल अप्रेजल है। आए हम पढ़ते हैं खैर आगे, इस इज दैट पोएट्री लाइक ए कल्चर, पोएट्री लाइक ए कल्चर इज अन एक्नॉलेज्ड, गैर तस्लीम शुदा, एक्नॉलेज तस्लीम करना, एक अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ मैनकाइंड, इंसान की एक गैर तस्लीम शुदा कानून साजी लेजिस्लेटर। रॉबर्ट ब्राउनिंग एसर्ट्स, उसने एक बार कहा था, लाइक द न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट, बिल्कुल ऐसे जैसे अखबारात जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ये यानी खतो किताबत कॉरेस्पॉन्ड मुताबकत पैगाम तरसील सब माने में है। द पोएट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, शायर भी जो है हर चीज को जो है वो पेश करता है, रिकॉर्ड बनाकर पेश करता है। बट ही डज नॉट ओनली मेक अ प्लेन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, वो सिर्फ हकाइक को नहीं बयान करता। अखबार तो खैर हकाइक बयान करते हैं, खबर का मतलब यही है कि कोई वाकया हुआ है तभी ठीक है, वरना वो खबर फिर खबर नहीं रहती, वो झूठ हो जाता है जी। Only make a plain statement of facts, he gives his own commentary in each case and draws his own conclusion. He sets up the standards and creates values of life. ये ज़िंदगी के बारे में उसने बताने की कोशिश की है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, कि जिस तरह से अखबार नवीस जो है वो हमें अखबार की तरह से एक कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर वो तरसील करता है, वो आगे बात बढ़ाता है। शायर भी इसी तरह से कुछ रिकॉर्ड बनाकर वो हमें पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाता बल्कि वो फैक्ट्स को भी बताता है, वो कमेंट्री भी करता है, वो पेशगोई भी करता है, मुख्तलिफ वो नताइज भी निकाल कर हमारे सामने पेश कर देता है। वी कैन से इन जनरल, इन जनरल वाली बात ज़रूर करें, ब्राउनिंग वाली करें ना करें,
बाकी वो दो तीन पोइट्री की जो डेफिनेशंस हैं पहला पैराग्राफ भी वो भी याद करें, क्रैम करें भी, सीधी सी बात है, रटा भी लगाएं। पोइट्री इज द विविड, वी कैन से इन जनरल, हम आमतौर पर ये कह सकते हैं पोइट्री इज द विविड फीलिंग्स, जो बड़ी वाज़े किस्म के एहसास का नाम है, एंड कंसेप्शन क्लोथ्ड इन हारमोनियस लैंग्वेज, जो बड़े इंतहाई हारमोनियस लैंग्वेज में हम आहंग सभा में ये मुरस्सा की गई, ये मलबूस है जनरली इन मीटर, आमतौर पर ये इसका एक वज़न होता है जिसकी पैमाइश हम उसकी राइमिंग स्कीम के मुताबिक, उसकी कॉन्सोनेंस के मुताबिक, उसके अप एंड डाउन, उसके लहजे, उसके टोन के मुताबिक हम करते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ पोएट्री है, ये पोएट्री के आगे ज़रूरी एक पार्ट्स हैं, उसके ज़राए कौन कौन से, कहाँ कहाँ से सोर्स शायरी के हो सकते हैं। याद रखें ये दो बातें हैं जो कॉलरिज ने इसकी बड़ी बड़े वाज़े तौर पर बता दिया था, फैंसी एंड इमेजिनेशन। और क्या है, आगे हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ पोएट्री आर टू लाइक फैंसी एंड इमेजिनेशन, दो हैं। इसके अलावा बोथ द टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, दोनों बज़ाहिर तो एक जैसी लगती हैं, फैंसी को भी हम आमतौर पर तखय्युल के नाम से, तसव्वुर के नाम से दे देते हैं, लेकिन क्या है कि बट विद ए स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा फ़र्क है। फैंसी इज ओरिजिनली सिनोनिम विद इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, इट मीन द फैकल्टी ऑफ फॉर्मिंग इन द फॉर्म इन द माइंड ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ थिंग्स नॉट प्रेजेंट इन एक्चुअल फॉर्म, ऐसी चीज़ें जो हकीकत में ना हो उनको इस अंदाज से पेश करना, रिप्रेजेंट कर देना। इट इज़ रिजर्व फॉर इट्स मोर आर्बिट्रेरी इनसब्सटेंशियल डेकोरेटिव एंड विम्सिकल, डेकोरेटिव बड़े सजी हुई सी और विम्सिकल बड़े ही अजीब से तरंग से भी आप कह सकें मैनिफेस्टेशन। इमेजिनेशन इज डिफाइंड बाई कॉलेज, कॉलेज ने क्या खूब कहा, क्या कहते हैं, डिजॉल्व डिफ्यूज, ये क्या करता है, डिजॉल्व तहलील कर देता है, बहा देता है, डिफ्यूज करता है, पटाखे से निकाल देता है, निकाल बाहर फेंकता है, बखेर देता है, डिसिपेट काट कर अलग अलग कर देता है, जुदा कर देता है, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, ताकि नई चीज़ तश्कील हो जाए। इमेजिनेशन ऐसी चीज़ है, यानी आप भी किसी फूल को देखें, मैं भी किसी फूल को देखता हूँ, कोई और शख्स है वो भी अगर किसी फूल को देख लेता है, उसकी अपनी अपनी विजन, अपने अपने सोच के मुताबिक हम कुछ और सोचते चले जाते हैं हर, और फिर आप हमें टास्क दे दिए जाए कि इस तखय्युल पर आपने एक घंटे में कुछ फिक्रात लिख लें, ये शायरी करनी है, तो यकीनन तीनों के फिक्रात, ये शायरी या क्रिएटिविटी मुख्तलिफ होगी। जबकि देखा एक फूल को, ये है इमेजिनेशन की बात, कि डिसिपिटेट कर देता है, फिर उसके बाद डिसॉल्व कर देता है, फिर एक शायर उसी फूल को अगले दिन भी देखे, उसका तखय्युल कुछ और हो सकता है। आए हम पढ़ते, ये चीज़ें देखने, सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री ये बेटे, फिर आगे हम चलते हैं। पोएट्री विद एक्सेप्शन ऑफ सेटायर तंस के अलावा डील्स विद ग्रैंड एंड ट्रेबल द ट्रेबल द ब्यूटिफुल बट सेल्डम विद द मीन, शायरी जो है एक्सेप्शन विद एक्सेप्शन का मतलब से मुस्तस्ना होकर के अलावा, तंस के अलावा हर शानदार पहलू को, बड़ी होलनाक किस्म की बात को, ब्यूटीफुल चीज़ को, लेकिन कभी कभार कुछ घटियापन को भी पूरी डील कर देती है। घटियापन की भी आगे, फिर आगे कुछ किस्में, कुछ पन है इसमें, जुमानियत आ जाती है, उर्दू शायरी में भी जुमानियत का ये पहलू रहा है कि बहुत सारे शोरा ने इसको एडॉप्ट किया, ठीक है, और यही नहीं है, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में भी, बहुत सारे लैंग्वेज, फोश लैंग्वेज जो है वो भी इसी तरह से, खैर वो चीज़ें इतनी नहीं है। पोइट्री जो है बड़ी डिसेंट सब्लाइम ब्यूटीफुल को जब डील करती है तो बहुत आला अंदाज हो जाता है, बहुत आला कलाम होता है। इट इज़ ट्रू दैट द ट्रेजिडी ऑफ नरेटिव कैरेक्टर्स एंड इमेजेस ऑफ द लोएस्ट कास्ट आर समटाइम्स एडमिटेड, बाज़ूकात ये भी है, ये तमाम चीज़ों भी शायरी में कबूल की जाती हैं, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रास्ट ओनली, लेकिन इनका मकसद ही होता है कि ताकि शायरी में एक कंट्रास्ट पैदा किया जाए, जो किरदार एक बहुत एक तरह आला भी हैं तो दूसरी तरफ कुछ मीन किस्म के किरदार भी आ जाते हैं,
तो ये कंट्रास्ट के लिए है। अंडर दिस व्यू द स्ट्रीम द वैली, कोई भी यानी नदियां हैं, नाले हैं, वादियां हैं, राइटस वेव्स हैं, बड़े ही भोंचाल मचाते हैं, तूफान अंगेज किस्म की जो लहरें हैं, गोल्डन स्काई है आसमान, स्टार स्टॉर्म एंड द मैड विंड्स, ओशंस एंड माउंटेन, लव ब्यूटी डिस्पेयर एम्बिशन रिवेंज, इन शॉर्ट एवरीथिंग और एवरी थॉट डेट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री। आप लिख सकते हैं माई मॉम, मामा अम्मी जान पर भी आप नज़्म बना सकते हैं, माई चाइल्ड बेटे पर भी बना सकते हैं, माई बुक अपनी बुक पर भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ दुनिया की। ज़्यादातर शायरी अच्छी लगती है अच्छे टॉपिक के साथ, ये घटिया टॉपिक के साथ शायरी जो है वो चीप और ऑब्सीन हो जाती है। आए हम आगे पढ़ते हैं, ये सारे आपने देखने हैं। लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, जी हमारे यहाँ भी तबका फिक्री है शायरी के हवाले से, लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने तो शायद नहीं पढ़ा होगा, हमारे पास हमारे दौर में यह आया करता था, शोरा पढ़ते थे हम शायरों का, फिर खसूसिया असलूब अंदाज एक राइटर्स का भी और शोरा का भी, उनकी जो है खसूसियात बयान कीजिए, उनके फ़न की उनकी शायरी की खसूसियात बयान कीजिए। तो हम देखा करते थे कि हमारे टीचर्स हमें बताते कि दो आमतौर पर विश मिलती हैं, एक मुश्किल पसंदी जैसे गालिब के यहाँ और एक बहुत आसान फिक्रात, आसान फिक्रात लेकिन उनमें मानी गहरे, उनमें अलामत निगारी भी आ जाती है, लेकिन आसान सादा जैसे कैफी हसमी है और आसान आसान शायरी में बिल्कुल रोज़मर्रा के अंदाज में जो लिखी गई वो अकबर इलाहाबादी है, नज़ीर अकबर आबादी है, चराग रसन हसरत है, नासिर कासमी की शायरी में इतनी ज़्यादा मुश्किल पसंदी नहीं है जैसे गालिब की शायरी में। तो ये वो बातें हैं कि वो कहना ही चाहता है लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। तो इस चीज़ पर मैं आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ कि इसकी लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, इन पोएट्री द लैंग्वेज एक्सेप्ट व्हेन वी इंटेंड, जब हम इंटेंड करते हैं, टू डिग्रेड शुड नॉट बी टेक्निकल, जब हमारा मकसद है किसी टॉपिक को, हीरो को, करेक्टर को, किसी बात को डिग्रेड करना है, तो फिर हम क्या नहीं करते, टेक्निकली कॉमन नहीं करते और क्लिकियल नहीं, बिकॉज साउंड्स विच वी हियर ऑन कॉमन ओकेजन्स डू नॉट यूजुअली मेक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस। ये बात भी है कि आम आवाज़ें जो हम सुनते हैं फिर उनसे फिर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं बनता है, फिर क्या, और कन्वे डिलाइट इमेज वाइल वर्ड्स, जबकि हम वर्ड्स जो होते हैं टू विच वी आर नियरली स्ट्रेंजर, जिनसे हम अजनबी से लगते हैं, वेन एवर दे आकर, जब वो अल्फाज सामने आते हैं, ड्रा द अटेंशन, हमारे हम चौंकते हैं, ये कौन सा लफ्ज़ है, कैसे कहा, या जबरदस्त एल्यूजन्स लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, तलमिया इब्ने मरियम हुआ करो, हाँ मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये चीज़ें जब हम देखते हैं ये चीज़ मेरे कंसिडरेशन में आती है और इंसान फिर सोचता है और फिर उसकी तरफ आता भी है लैंग्वेज की ये चीज़। अकॉर्डिंग टू लेथब्रिज एंड माइलड्रोव क्या कहते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोएट्री, लिरिक जज्बाती है, नरेटिव बयानिया कहानियों की सूरत में, बड़ी बड़ी लॉन्ग फॉर्म्स जो होती हैं जैसे इंडिया में महाभारत, हमारे यहाँ शाहनामा इस्लाम, फिर इसके अलावा मुसद्दस हाली, ये सब की सब के हैं नरेटिव फॉर्म में, फिर वो किस्सा है वो कौन सी है बागो बहार वगैरह वगैरह, एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव बयानियाँ, ये कसीदा खानी में किसी की मिसाल में और ये किसी की तारीफ में भी हो सकता है, किसी की ये मरसिया भी हो सकता है, किसी को डिस्क्राइब करने कोई मंजर को भी बयान किया जा सकता है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। लिरिक में बहुत लिरिकल पोइट्रीज जो कहा जाए तो ये वो पहलू है जो सबसे बेस्ट पहलू है जो इंसान के जज्बाती पन का पहलू है। यहीं तक बेटे आप ये पेज करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।